जो मुस्कुरा रहा है उसके दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ रश्मि मनन। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्पॉटलाइट के मंच पर हमेशा समाज सेवी आते हैं जो कि समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे होते हैं और अपने तरीके से अपने स्तर पर और अपने क्षेत्र के माध्यम से लोगों के लिए उनको उनके लक्ष्यों तक पहुँचाने के लिए सामने आकर खड़े होते हैं। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो आपको बताएंगे कुछ खास उपाय, क्योंकि आजकल की जो जिंदगी है ना लोगों की, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी की परेशानियों से यहां वहां घूमकर थक जाते हैं और उनके उपाय ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको वो उपाय कहीं से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जो शख्स आज हमारे साथ यहां मौजूद है वो आपको बताएंगे बहुत सारे उपाय जिससे कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और घर बैठे उन छोटे से उपायों के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को आसान बना लेंगे और जिन चीजों से, जिन ग्रहों से आप डरते हैं वो डर आपके समाप्त हो जाएंगे। तो आपका परिचय करवाना चाहूंगी मैं राजकुमार राजा जी से, ये डिवोशनल स्पीकर भी है, तो आइए इनका स्वागत करते हैं। राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। राजकुमार जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये जो आजकल लोग ना ग्रहों के नाम से बहुत जल्दी डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो ग्रह है, कुछ भी अगर गलत हो रहा होता है सोचते हैं हमारा ग्रह खराब चल रहा है, हमारी ग्रह के चाल टेढ़ी है, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है और ग्रहों के नाम से लोग इतना क्यों डर जाते हैं, खासकर शनि ग्रह के नाम से जो कि एक न्याय के देवता है, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं बहुत ज्यादा क्रूर है, तो शनि देव जो है उनके क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी ग्रह हैं वो 9 के 9 ग्रह हमारे लिए ही बने हैं, हमारी सहायता करने के लिए बने हैं, ना कि हमारे अगेंस्ट जाने के लिए बने हैं। बट कैसा क्या होता है कि जो हमारी जन्म पत्रियाँ होती हैं, जो हमारे टाइम होता है, हमारा बर्थ डेट जो होती है, उसके हिसाब से हमारे ग्रह उस जन्म पत्री के अंदर आते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। अब अच्छे ग्रह तो तब हो जाते हैं जब वो आपके फेवर में हो जाए, और जब वो आपके अगेंस्ट हो जाए तो वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आप उसको कहते हैं ये अच्छा ग्रह नहीं है। तो शनि ग्रह जो है वो न्याय का देवता, जैसा कि आपने बोला ही है कि न्याय के देवता है, तो हमें डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि हम जिस जगह पर भी बैठे हैं, जिसके साथ भी हम डील करें, उसमें न्याय करें। हमें वो न्याय का देवता यही एक सीख देता है कि हमें भी लोगों के साथ न्याय करना चाहिए, कि अगर हम अपने साथ न्याय कर रहे हैं तो हमें दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना। हम बहुत छोटी छोटी बातों से लड़ पड़ते हैं या झगड़ पड़ते हैं या हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए भी, और ये सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम नहीं बचते हैं। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो यही शनि देव आपके लिए अच्छा करेंगे। हाँ, शनि से लोग डरते हैं, तो इनके छोटे छोटे से उपाय, जिनके ऊपर शनि की प्रॉब्लम है या जो लोग शनि की होरा में या शनि के दोष में या शनि की ढैया में, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली आती रहती हैं हर व्यक्ति के ऊपर, तो जो लोग इन चीज़ों से ग्रस्त हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि शनि के उपाय जनरली सभी लोग जानते हैं। हर ग्रह का एक मेटल है, एक जानवर है, एक पक्षी है, एक उसका मंत्र है, एक जप है, एक वस्तु है, तो ये सब चीज़ें हर ग्रह को अलग अलग तरह से मिली हुई है। तो शनि की भी कुछ वस्तुएँ हैं, शनि के कुछ मंत्र हैं, तो शनि की वस्तुओं में मैं यही कहूँगा कि लोग तेल का दान करें। लोग शनि के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मजदूर, छोटे लोग, जो बहुत, जिन्हें हम निम्न स्तर का मानते हैं या हम ये मानते हैं कि वो गरीब हैं, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनका ध्यान, उनको दुख ना पहुँचाना, उनको, उनके साथ न्याय करना, कि अगर रिक्शे वाला एक पैसे मांगता है आप उसके पैसे उसको पूरे दीजिए, कम मत करिए, और दूसरा ये है कि अगर उससे थोड़े फालतू दें तो आपका दान अपने आप ही हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम शनि के दान के अंदर कहें तो सीरियल्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं, मतलब कि दालें, जो जिसके अंदर सबसे बड़ी दाल है वो उड़द की दाल है, जिसको हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, और हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में, हर जगह जहाँ भी हम बैठते हैं हम यही दाल मंगाते हैं, दाल मखनी ले आइए, जबकि हमें ये नहीं पता होता कि शनि का ये जो रूप हम खा रहे हैं, इसीलिए उस वही दाल कई लोगों को असर करती, दिक्कत करती, जिन पर शनि की प्रॉब्लम होगी अगर वो ये दाल ज़्यादा खाता है, और वो खाएगा ही। ये शनि का सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी वो शनि से ग्रस्त होगा या शनि की प्रॉब्लम उस पर होगी, वो शनि के उस दाल को ज़रूर खाएगा, तो उस दाल का दान करिए। तो अगर आप उस दाल का दान करते हैं, तेल का दान करते हैं, लोहे का दान करते हैं, तो ये दान सब शनि को ही मिलते हैं, और दान उस चीज़ का करना चाहिए जो आपके पास फालतू हो या ज़्यादा हो, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसका दान नहीं करें,
अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप पैसे का ही दान करते हैं सब जगह पर, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है आपकी। तो मैं तो यही कहूँगा कि शनि के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, शनि के लिए ज़्यादा दान की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ इतना करें कि सबके साथ न्याय करें, अपने से छोटों का आदर करें, भला करें, उनके लिए मदद करें, और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचाएं, यानी कि जो लोग बीमार हैं उनको हॉस्पिटल तक लेके जाएं, जो जानवर परेशान हैं उनको आप उस हॉस्पिटल तक लेके जाएं, उनकी तारमेदारी करें, उनका ध्यान रखें, शनि अपने आप खुश हो जाएगा, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये तो बात हुई शनि की, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी मंगल की, जो कि आज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कुछ लोगों की शादी नहीं हो पाती है तो सोचते हैं मांगलिक दोष से ग्रसित हैं, किसी का मंगल ग्रह ठीक नहीं होता। लेकिन मंगल अमंगल कैसे हो सकता है, मुझे ये नहीं समझ आता, जबकि मंगल तो हर शुभ कार्य में सबसे पहले मंगल का नाम लिया जाता है। तो आप मंगल के बारे में कुछ बताइए कि मंगल ग्रह से ग्रसित लोगों को क्या करना। देखिए, मंगल के सबसे बड़े देवता हनुमान जी माने जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ अगर किसी को ये डर है या किसी ने ये डर पैदा किया उसके अंदर, तो उसको हनुमान जी की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। फिर लोग ये कहते हैं कि हमें औरतों को उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मत करें। अगर कोई ये कहता है आपको और आपके दिल में ये बात आ जाती है कि मैं एक औरत हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि ये सही बात है। क्योंकि जब मनुष्य को और औरत को उस ईश्वर ने बनाया है, तो फिर वो क्यों कहेगा कि मेरे से दूर रहो। ये तो एक भ्रांति पैदा की गई है, या एक ऐसी चीज़ें पैदा की गई हैं जिससे हम ये कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। जब सारे काम आज औरत कर रही है, तो मंगल के लिए औरत मंगल क्यों नहीं कर सकते, या औरत के लिए मंगल क्यों नहीं, या हनुमान जी की पूजा औरत के लिए क्यों नहीं, जबकि शनि में भी ये चीज़ हो गई है। आपने अभी देखा है कि शनि को भी पूजने के लिए औरतों को अलाउ कर दिया गया कि आप पूजें, बट इतने साल बाद क्यों। इसका मतलब है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, तो हमें यही देखना चाहिए कि मंगल जो है वो भी एक ग्रह है, और बहुत अच्छा ग्रह है, साफ सुथरा ग्रह है, बहुत सुंदर ग्रह है, ये कभी भी किसी का मंगल नहीं करता। हाँ, कुछ दोष हमारी पत्नी में इस तरह के होते हैं जिसकी वजह से लोगों की शादी नहीं हो रही होती है या वो मंगलिक कहलाए जाते हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल गणना है, मतलब हमारे मैथमेटिकल कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जिसके अंदर आने के बाद और ग्रहों के जुड़ने के बाद कुछ लोगों की शादी डिले हो जाती है। बहुत कम लोग इस दुनिया के अंदर हैं जो शादी के लिए बने ही नहीं, या जिनकी शादी नहीं होती, तो भी हम मंगल का दोष बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, हर बंदे की शादी होना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग अपने पिछले कर्मों की वजह से भी इस दुनिया के अंदर आके मंगल को दोष दे देते हैं, या मंगल के लिए कह देते हैं कि मंगल है तो इसलिए हमारी शादी नहीं हो रही, बट ऐसा नहीं है। मंगल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि आप जानते हो कि मंगल जो है वो हनुमान जी को बिलोंग करता है, हनुमान जी उस ग्रह के देव हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मंगल के लिए लड्डू बहुत अच्छा दान है, बेसन बहुत अच्छा दान है, नमक बहुत अच्छा दान है, गुड़ बहुत अच्छा दान है, आप इन दानों को कर सकते हैं अगर आप उनको मनाना चाहते हैं। मंगल का और शनि का और सब चीज़ों का जितने भी ग्रह हैं उनका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम के बाद वो अपने आप ठीक हो जाते हैं आपके लिए। जिसकी पत्री में जो भी ग्रह जिस तरह से बैठे हुए हैं उसके हिसाब से ही उसका चलन है। तो मैं ये कहूँगा इसके लिए ज़्यादा उपाय की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे से काम करके भी मंगल को ठीक कर सकते हैं। मंगल किसी का बुरा नहीं करता, मंगल अच्छा करने के लिए ही आपकी पत्री में आता है। वो और बात है कि दूसरे ग्रहों की वजह से मंगल को थोड़ा सा अपना जो सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ता है, या थोड़ा सा सख्ती से पेश आना पड़ता है, ताकि खुद इंसान जो है, खुद व्यक्ति जो है, वो उस धर्म की तरफ चले जिस धर्म को वो छोड़ चुका है। तो राजकुमार राजा जी, आप यहाँ पर आए, इस मंच पर आए, और आपने दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी उपायों से रिलेटेड, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।